इधर मध्य प्रदेश में नौतपा के छठे दिन गुरुवार को भी भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिला। सीधी में टेम्परेचर रिकॉर्ड 48.2 डिग्री पहुंच गया। वहीं खजुराहो में 47 डिग्री और निवाणी में के प्रतिपुर में पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नौतपा के छह दिन में गर्मी और लू के कारण प्रदेश में 16 लोगों की मौत समेत 17 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही गर्मी के तेवर थोड़े कमजोर हो जाएंगे। अनूपपुर और डिंडोरी समेत कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान है। राजधानी रायपुर में गुरुवार को 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों में हीटवेव और अंधड़ की संभावना जताई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में दो दिनों तक हीट वेव से राहत मिल सकती है। तो नौतपा का सातवां दिन है आज। लोग बेहाल हो रहे हैं भीषण गर्मी से। कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश के जिले हो चाहे वो छत्तीसगढ़ के जिले हो, क्योंकि गर्मी के तीखे तेवर दोनों ही जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही प्रदेशों में, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हो रही है। नौतपा का सातवां दिन आज। भोपाल से हमारे संवाददाता सनी मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे, नौतपा का सातवां दिन है, तपिश का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। आसमान से एक तरीके से अगर हम बोले तो आग बरस रही है। सबसे पहले आपसे कल का हाल जानना चाहेंगे, क्योंकि कल नौतपा का छठवें दिन था, तो कल प्रदेश का क्या हाल था? जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से गर्मी के जो हालात जो है राजधानी समेत प्रदेश में बने हुए हैं, जो है कल का तापमान जो है भीषण गर्मी से तपा था, और आज की बात किया है तो आज जो है भट्टी की तरह जो है मध्य प्रदेश सही राजधानी भोपाल तपने वाला है। और लगातार आज सुबह की बात की जाए तो ठीक से 9:15 बजने वाले हैं, और सवेरे 9 ठीक बज के 32 डिग्री का तापमान बना हुआ है। 17 जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है लू को लेकर जिस तरह से। और भोपाल की बात किया जाए तो भोपाल में जो है गर्मी से अभी तक जो है 2 लोगों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर माना जाए कि मौसम विभाग लगातार अपील कर रहा है, दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक आवश्यक काम है तभी जरूरी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और लगातार दूसरी तरफ जो है राजधानी भोपाल के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में जो डिहाइड्रेशन उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कुल मिलाकर माने जाए कि भीषण गर्मी का दौर जो है राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश में जारी है। जिस तरह से जो है सीधी में सबसे ज्यादा तापमान जो है सार्वधिक जो है गर्म रहे 48 डिग्री दर्ज किया गया। कुल मिलाकर माना जाए कि लगातार जो है अभी भी जो है गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल भी जो है बिल्कुल सही, तो गर्मी से राहत मिलने की संभावना कहीं नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ दिनों में गर्मी कमजोर पड़ते हुए नजर आएगा, लेकिन फिलहाल तो नौतपे का कहर सबको देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी से सारे लोग हलाकान हैं। तमाम जानकारी के लिए सनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.